हमारे पशु चिकित्सा के समिति को चारों तरफ से जिले में दौड़ाने वाले सभी नवनियुक्त कर्मचारीगण, मीडिया के सभी कर्मचारी, मीडिया के सभी भाई, हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सेवा पशुधन की सेवा। अपन पीछे आ जाओ, आ जाएंगे भैया कैमरामैन, थोड़ा सा पीछे पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, सब आ जाओगे। प्रदेश के हमारे नए मुख्यमंत्री सम्मानित जी को, राज्य सरकार को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज इसमें हमारे जी को अभी तक कुल 22 वाहन मुहैया कराने का उन्होंने पेश कर दिया। 17 आज यहाँ प्राप्त हुए हैं और इन वाहनों के माध्यम से ये सब आपको इसमें सेवारत है। गाँव गाँव जाकर वाहन के जरिए, अपने कैंप्स के जरिए आप पशुओं की चिंता करिए। मुझे याद है कि सन 2012 में माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वो जयपुर पधारे एक सेमिनार में, तब मोदी जी ने कहा था कि ये वहाँ गुजरात में लगभग 12-15 वर्ष पहले ये वहाँ प्रारंभ। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई इस बात की कि आपको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनते ही आपको पहला मौका मिला है हमारी गौ माता की सेवा करने का। इस सेवा में आप ईमानदारी से काम करें, हर क्षेत्र में जाएं और आपकी जो ईमानदारी है वहां छोड़ के आए कि आप कितने अच्छे काम करने वर्कर आदमी हैं। वर्कर मेहनत करके अपना इस क्षेत्र में जितनी भी हमारी गौ माता है उसकी रक्षा करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, इस बात की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। दूसरा, साथ साथ में मोदी जी की बहुत जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और इस मोदी जी ने आज इस वागड़ क्षेत्र में कई सारी योजनाएं लागू करी है। मैं आज गिनाना चाहूँ तो सारा दिन निकल जाए, लेकिन गिनाते गिनाते इनकी योजना पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन भाइयों, हमने 108 तो दौड़ी रही है, लेकिन कितना वर्क करेगी और किस तरह का आपका वर्क है। हमारा पशु धन दिनों दिन खत्म होता जा रहा है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ और मेरे घर में भी कई उस समय पशु थे जब मैं पढ़ती थी। आज तो इतने नहीं है, आज तो 15-20 ही पशु है, लेकिन उस वक्त मैंने जब देखा था तो मेरे घर में
सात आठ तो मजदूर थे जो उसका गोबर ही धोने वाले थे और चार और हमारे जो गोबर निकलता था वो महिला टोप के नहीं फेंकती थी, बीच में हम गाड़ा खड़ा रखते थे, बैलगाड़ी रहती थी तक हम हमारे खेतों तक पहुंचाते थे, ऐसा उस वक्त था। आज वो नहीं है, आज पशु बहुत कम रहा है, जमीनी बहुत कम रही है तो पशुपालन बहुत कम हो रहा है, बीमारियां उस वक्त आती है बारिश का समय।